बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कर ली है। तो ये क्वेश्चन है 0 to ∞, इसकी लिमिट्स है, फंक्शन है x इंटू ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। तो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि अपर लिमिट इसकी इन्फिनिटी है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट आई इज इक्वल टू 0 to ∞ x इंटू ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट, चूँकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो अपर लिमिट को हम t के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट बन जाएगी 0 से t x e पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फंक्शन है इसके अलहदा से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कंसिडर इंटीग्रल एक्स ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इंटीग्रेशन में, तो हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप जानते हैं, इनमें से हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, एक का इंटीग्रेशन करेंगे। तो फंक्शन हमारा है एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, तो एक्स का हम करेंगे डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन। तो बाय पार्ट्स एक्स ई पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस, फिर इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन माइनस एक्स ओवर माइनस वन, और यहाँ पे आके जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो यहाँ आकर उसका डेरिवेटिव करें, वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। तो ये बन जाएगा एक्स ई पावर माइनस एक्स, और ये माइनस वन शुरू में आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से ई पावर माइनस एक्स है कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स करके कॉमन करें तो यहाँ पे बचेगा एक्स और प्लस वन। ठीक है, ये माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा इस फंक्शन का, जो जिसको हमने आई के इक्वल रखा था। तो ये वाली वैल्यू जो है इस फंक्शन की, जो वैल्यू आई है ई पावर माइनस एक्स एक्स प्लस वन, तो अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन को, ये फंक्शन की जो वैल्यू आई है इसको जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इक्वेशन 1 जो हमारी है क्या बन जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू आई है माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और लिमिट है 0 से टी। माइनस जो है ये शुरू में आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दें ई पावर माइनस टी इंटू टी प्लस वन, और फिर लोअर लिमिट माइनस ई पावर 0 हो जाएगा और 0 प्लस वन। ठीक है जी, अब ये बन जाएगा माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू, ये बन जाएगा ई पावर, ये वाली लिमिट भी अप्लाई कर दें, यानी ये t की जगह आप इन्फिनिटी रख दें, तो ये बन जाएगा e पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये माइनस शुरू में, और इन्फिनिटी प्लस वन माइनस e पावर 0, e पावर 0 है 1, 0 प्लस वन वन, वन इंटू वन वन। ठीक है, e पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ये 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 जो है ना ये सब पूरी टर्म को 0 कर देगा, बाकी क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा, इस वन के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मीन्स के ये जो गिवन इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है, और किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, माइनस वन को कन्वर्ज कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 1 से इन्फिनिटी है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट I इज इक्वल टू 1 to ∞, फंक्शन है हमारा स्केयर रूट ऑफ x इंटू स्केयर रूट ऑफ x प्लस वन डी ऑफ x। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूँकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो इस तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी को t के साथ रिप्लेस कर दें, और लिमिट बन जाएगी 1 to t, फंक्शन है 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ x इंटू स्केयर रूट ऑफ x प्लस वन डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके यहाँ पे छोड़ दें, अलग से फंक्शन को इंटीग्रेट कर लें। कंसिडर इंटीग्रल 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स और प्लस
वन, ये मैंने अलहदा लिख लिया है, वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस वन ये वाला हिस्सा, और वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ। ठीक है, तो आप इसको कैसे हल करें, लेट कर लें, लेट स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये बन जाएगा वन ओवर टू इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी, या वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। ठीक है, तो ये आके इधर आके पुट करें सारी वैल्यू, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, किसके को रखा है, टी के को रखा है, और साथ वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, टू डी टी। तो ये आ गया डी टी और ये आ गया टू, ये बन जाएगा टू, और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में कंप्लीट डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ टी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आया है, तो इसको आगे पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में, तो क्वेश्चन नंबर वन बन जाएगी टू लिमिट, ये टू चूँकि कॉन्स्टेंट है शुरू में रख ली है, और टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी, और लिमिट है ज़ीरो से सॉरी वन से टी। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दें, टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस वन हो जाएगा, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ वन जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, इन्फिनिटी जब टी की जगह रखें, टू नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी प्लस वन और माइनस का ये ज़ीरो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वन। तो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी प्लस वन नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी, और नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, डेफिनेट नंबर नहीं मिल रहा, लिहाजा हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट। इस क्वेश्चन में चूंकि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, लिहाजा ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट आई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ क्योंकि लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो लोअर लिमिट को मैं टी के साथ रिप्लेस कर दूंगा, टी अप्रोचेज टू जीरो, और ऊपर क्या लगा दूंगा प्लस, क्योंकि लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन है, और फंक्शन बन जाएगा टी से वन, लिमिट बन जाएगी ई पावर स्केयर रूट ऑफ एक्स ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें, इसको अलहदा से हल कर लें, इसका इंटीग्रेशन स्केयर रूट ऑफ एक्स इंटू वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ, लेट स्केयर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करें तो वन ओवर टू इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी, या वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो स्केयर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी और वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू डी टी आके इसमें पुट करें, जब पुट करेंगे तो ये टू कॉन्स्टेंट शुरू में आ जाएगा और बाकी बच जाएगा ई पावर टी डी टी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टू ई पावर टी। ठीक है, तो ये वैल्यू जाके पुट कर दें क्वेश्चन नंबर वन में, मैं यहीं पर लिखने लगा हूँ, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो ऊपर प्लस, और टू ई पावर टी और लिमिट है टी से वन। ठीक है, तो ये टू कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, और लिमिट टी अप्रोचेस टू सॉरी ज़ीरो ऊपर प्लस, और ई पावर बन जाएगा वन माइनस ई पावर टी। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट करेंगे टी की जगह ज़ीरो रखेंगे तो ये बन जाएगा टू ई पावर वन ई माइनस ई पावर ज़ीरो, तो ये बन जाएगा ई माइनस वन ओवर टू, ई माइनस वन डिवाइडेड बाय बट सॉरी बटे में टू नहीं है बल्कि इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक डेफिनेट नंबर आ रहा है, लिहाजा हमारा गिवन जो इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, और इसको कन्वर्ज कर रहा है टू इंटू ई माइनस वन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो है ज़ीरो टू इन्फिनिटी